17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है और सरकारी नौकरी में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का वादा किया। नौकरी का वादा दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया है और कहा है कि हर परिवार में से एक को नौकरी दी जाएगी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि पिछले 3 साल में सिर्फ 21 युवाओं को ही नौकरी दी गई है? जी हाँ, पिछले साल राज्य विधानसभा के मॉनसून सेशन में सरकार ने ही बेरोजगारी को लेकर ये आंकड़े जारी किए थे और बताया कि 1 अप्रैल 2022 तक 25,80,000 से ज़्यादा युवाओं ने अपने आप को बेरोजगार युवा के रूप में रजिस्टर कराया था। 1 जनवरी 2023 को ये आंकड़ा बढ़कर 38,92,000 हो गया। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में हर महीने लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार होते चले गए। लगभग 39 लाख लोगों में से सिर्फ 21 को पिछले 3 सालों में राज्य सरकार ने नौकरी दी है। यह आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। सरकार ने इस साल 1 मार्च को मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक मेवाराम जाटव द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में ये बताया था। इसके अलावा एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से राज्य भर में 52 रोजगार कार्यालय को चलाने के लिए 16,74,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। इसका मतलब ये है कि ये नौकरियां देने के लिए सरकार ने प्रति व्यक्ति लगभग 80 लाख रुपए खर्च किए हैं। 15 अक्टूबर को नई दिल्ली में कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने दावा किया कि सभी सरकारी नौकरियां घोटालों की भेंट चढ़ गई है। उन्होंने कहा कि 2022 में लगभग 40 लाख युवा रोजगार कार्यालय में पंजीकृत थे और ये शर्मनाक है कि सरकार उनमें से केवल 21 लोगों को ही नौकरी दे पाई है। ओझा ने नौकरियों की कमी के लिए राज्य में नर्सिंग भर्ती घोटाला, पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला और पटवारी भर्ती घोटाला जैसे कथित घोटालों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में परीक्षाओं के माध्यम से कोई नर्सिंग नौकरी नहीं मिली है और वादा किया कि इस बार सत्ता में आने पर कांग्रेस राज्य में अच्छी शिक्षा और रोजगार देगी। लेकिन आप शायद ये जानकर थोड़ा हल्का महसूस कर सकते हैं कि बाकी चुनावी राज्यों की तुलना में एमपी की हालत थोड़ी ठीक है। 22 सितंबर को शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए 1 लाख लोगों की भर्ती की गई है और राज्य में लगने वाले नए मध्यम और कुटीर उद्योग हजारों लोगों को नौकरी देंगे। राज्य आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 2022 को छोड़कर मध्य प्रदेश में हर साल बेरोजगारी में वृद्धि देखी गई है। 2022 में राज्य में बेरोजगार युवाओं की संख्या लगभग 5 लाख कम हो गई थी। 2022 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर 3.2% थी। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 3.4% है और तेलंगाना में 4.5%। ये भी जान लीजिए कि हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है, 37.4%, जबकि चुनावी राज्य राजस्थान दूसरे नंबर पर 28.5% बेरोजगारी दर के साथ है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जुलाई 2023 तक देश की कुल बेरोजगारी दर लगभग 8% रही। 2020 में महामारी के दौरान बेरोजगारी दर अपने चरम पर थी और तब से इसमें गिरावट देखी जा रही है। इन दिनों जातिगत सर्वेक्षण भी खूब चर्चा में है और कई दल इसे अपने राज्य में करवाने की बात भी कर रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ओबीसी युवा बेरोजगार हैं। यह आंकड़ा भी सरकार ने एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के जवाब में बताया। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2022 तक 25,81,000 पंजीकृत बेरोजगार युवा थे। इन बेरोजगार युवाओं में से ज़्यादातर ओबीसी समुदाय के थे। न्यूज़ क्लिक की एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 30% यानी 7.5 लाख से ज़्यादा पंजीकृत बेरोजगार अनुसूचित जाति यानी एससी से हैं और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी से हैं। ये दोनों समुदाय मिलकर एमपी की कुल आबादी का लगभग 36% हिस्सा है। बाकी 70% बेरोजगार लोग ओबीसी और सामान्य वर्ग के हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2011 से 2021 के बीच रोजगार मेलों से 8,25,000 से ज़्यादा लोगों को ऑफर लेटर दिए गए हैं। इसमें 2,89,000 ओबीसी, 2,69,000 अनारक्षित, 1,54,000 एससी और 1,11,000 एसटी है। न्यूज़ क्लिक का एक विश्लेषण बताता है कि एमपी में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी
दर जो है वो ग्वालियर में है, जहां करीब 1,55,000 पंजीकृत बेरोजगार युवा हैं। इसके बाद भोपाल में 1,31,000, फिर रीवा में 1,09,000 और मुरैना में 1,02,000 पंजीकृत युवा बेरोजगार हैं।